देखना भी तुम मैं इतना नोट करते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ आसिफ खान और उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले व्लॉग में मैंने आपको गली नंबर 1, 2, 3 का विज़िट करवाया था, जो कि आपने वो व्लॉग देख लिया होगा उम्मीद है, ठीक है। और इस वक्त हम मौजूद हैं गली नंबर 10 के बिल्कुल एंड पर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये मंडी ख़त्म हो जाती है। ये इस साइड से जितने ये गली नंबर 8, 9, 10 के अंदर आप इंटर होंगे तो ये वाली सारी जगह आती रहेंगी। जी जनाब, बस 2 मिनट आते हैं फिर बकर चलते ही। जी जनाब, आज रात को बारिश होने की वजह से मौसम बहुत फिट था, मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया, इसलिए हम थोड़ा जल्दी आ गए, ठीक है। पिछले व्लॉग में हम तकरीबन 7:30 बजे मंडी में पहुंचे थे और अभी तकरीबन 5:20 का टाइम है और हम मंडी में मौजूद हैं। तो आज के व्लॉग में हम आपको बाकी जो मंडी है वो पूरी विज़िट करवाएँगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। ये दुम्बे कितने के लगाए हैं? ये मतलब सारे कितने प्राइस है? 75,000 का लगाया है। ये 75 हैं दो? हाँ जी। जी ये दुम्बा 60,000 का लगाया है। जी, और कहाँ से लेके आए हैं इसको? ये हम सरगोधा से लेके आए। सरगोधा से कितने बिके हैं और कितने रह गए? कम अज कम अभी हमें 3-4 दिन हो गए, 10-12 बिक गए हैं। 10-12 बिक गए। तो अब मंडी के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे, मंडी कैसी है? मंडी के हवाले से यही कहना चाहते हैं कि मंडी महंगी है जी, इस दफ़ा महंगी। इधर बैठने की फीस है, अच्छा की फीस है, अच्छा, तो इसलिए जानवर महंगे हैं, खरीद नहीं सकता। सही हो, मंडी के हवाले से कुछ और सहूलत पानी भी है जी, बिजली किस तरह होती है जी, और मौसम आज कैसा है? मौसम ज़बरदस्त। चलें, थैंक यू सो मच। भाईजान ये इसकी करने के बाद इसकी भी कर दे। बैठ रहे बिठा दें। चलो भाई, कहते आज सर पहले ये भी इस्तेमाल होगी। पहले भाई बोल रहे हैं पहले ये इस्तेमाल होगी, फिर ये होगा, फिर ये इस्तेमाल होने के बाद कुछ भी नहीं इस्तेमाल होगा। इसके बाद कुछ भी नहीं। इधर देखें ज़रा, ये ऐसे इस्तेमाल होगा, ठीक है। पहले डेमो दे देते हैं, पहले ये होगा जी, जो बड़े बड़े बाल हैं वो, फिर बाद में ये होगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे होगा। अच्छा, एक मिनट दिखा, फिर ऐसे होगा, एक मिनट कैंची पाई जान दिखा, फिर कैंची उठाएंगे, लो सर, फिर जला ऐसे होगा, फिर ऐसे हो जाएगा। आजा, मंजूर है? ये मेरी कुर्बानी है। नहीं सर, 500 रुपये भी देगा। अच्छा, वाहिद ऐसे कटिंग वाले हैं जो कह रहे हैं आप कटिंग करवाएं, हम 500 रुपये देंगे। 1,000 रुपये मेरी तरफ से। वो भाई बोल रहे हैं 1,000 रुपये देंगे, जियो तेरे बाल। ये 1, 2, 3, 4 चार बकरे कितने के लिए? 1,40। कितने बोले थे उन्होंने? 1,60, 70। 1,70 बोले थे और 1,40 के हो गए। सही लिए, सही मिल गए। चल, ये 1,40,000 के 4 बकरे, नाइस। अभी इनको स्कूल लेके जाए। अन्नी दे, तू भी ना ले। अभी सौदा नहीं हुआ जी, वो दोनों लड़ने लग पड़े हैं। वो भाई ने जब देखा ना कि इन्होंने ज़्यादा सारे पैसे निकाले हैं, साथ ही कहते हैं मैं 1.5 लाख से कम नहीं दूँ। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सौदे होने के ना 60% चांस है। तुझे क्या लगता है वो चले गए, वो भाई लोग चले गए? आई सेड 60% इतना ही होता। क्या अब बता, 60% नहीं हुआ वो, असल में भाई ने जब देखा ना उनके पास पैसे तो बस भाई फैल गए। फिर भाई ने बोला नहीं 1.5 लाख से तो कम दूंगा नहीं, पहले 1,40 की बात हुई थी। एक बंदा 1,40 कह रहा है और फिर वो 45, फिर एक 1.5 मांग रहे हैं उन्होंने, 1,40 और 1,45 पे आ गए। वो 5,000
छूट मिलती है, दे देने से मेरे हिसाब से दे देने से। ग्राहक ठीक बोल रहा था या ये व्यापारी? ग्राहक ठीक बोल रहा था। ग्राहक ने पाँच हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भी दिए, कहते नहीं 1.45 पे आ गया, आप डेढ़ मांग रहे, 5,000 के पीछे आप दे देने चाहिए, बकरे दे देनी चाहिए थे। बिल्कुल चलें वो आगे, नेक्स्ट उनके पीछे पीछे चलते। भाई उसको करने तो दो यार, इस मंडी में बकरे जो है ना बैलों से थोड़े से मामा भाग गए, जाओ जाओ पकड़ पकड़, ये बकरा भाग गया इनका, उधर से जाएं उधर से जाएं। और जियो टांग से पकड़ ली। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि इस मंडी में जहाँ पे हम बकरों के पास आए हैं, यहाँ पे बैलों से थोड़े से ही सस्ते ये बोलते हैं। अब एक बकरे को उन्होंने बोला है 1,20,000, और जो बैल होते हैं वो बोलते हैं जी, बैलों का अगर पूछो ना तो वो बोलते हैं 1,50,000 60,000। वो चार थे ना, चार बकरे थे यार, वो चार जो थे वो जो एक एक बकरे का उन्होंने 1,20,000 बोला है। किसने बोला है? तू मेरी पेज खोल सारे। यार मंडी का जो मौसम है वो आज बहुत बेस्ट है, मतलब गर्मी नहीं है ज़रा सी भी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठीक है, ऊपर से हल्का सा सूरज निकला हुआ, वो दिखाओ ज़रा, वो सामने सूरज मामू दिखाओ, ठीक है। ये वैसे अच्छा हो गया कि आज हम आ गए, हमारा प्लान कल का भी बना था, ये पीछे जो दिन गुजरा, ठीक है, संडे, आज मंडे है। संडे को मैंने अपने दोस्तों को बोला कि हम जाएंगे मंडी, तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि मैं एक दफ़ा मेरे साथ, मतलब एक दफ़ा तेरे साथ जाऊंगा, फिर उसी मंडी में अपने अब्बू के साथ उसी मंडी में फिर दोबारा जाऊंगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा प्लान फिर आज का बन गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज का मौसम बहुत फिट है, बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला डंगोर है जी। हाँ जी, ये भाई बताएंगे कैसा डंगर है ये? ये बहुत गुस्से वाला डंगर है। अच्छा, क्या खाता है ये, इसमें इतना गुस्सा है? बस एक गया गया तो खाता है, घी में किसी ने मिर्च डाल दी, इसने घी में किसी ने मिर्च डाल दी है। यार मैं दो दफ़ा मंडी आया हूँ, और इन दो दफ़ा में मैंने एक बात नोटिस की है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, समझे। अभी मेरे दोस्त की कॉल आई है, टिंग टिंग। हेलो जी। हेलो जी, किधर हो? मैं मंडी में खड़ा हूँ, मैं बकरा लेना सी, बकरा। अच्छा जी जी, मैं मंडी में हूँ, कितनी रेंज है आपकी? अब 40,000 मिल जा सी, बड़ा लेना, बड़ा बकरा। 40,000 में बड़ा बकरा लेना है? बहुत बड़ा। और आपने अभी मंडी भी आना है? मंडी आना आना है। हाँ जी, कोशिश करें ना ही आए। क्या? ना ही आए, कोशिश करें ना ही आए। 40,000 में आपको इंशाल्लाह कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भाई ये सिचुएशन है इस मंडी की, यहाँ पे आप 40,000 या 45,000 जेब में रख कर लाएंगे, और आप बोलेंगे कि मैंने बकरा लेना है, तो खप खपाई करके उसके पाँव उसके ख़ानदान के उसको वास्ते देंगे, तब जाके कहीं आपको वो आधा बकरा देगा, आधा नहीं मतलब मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खप खपारी के बाद, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो मंडी में है वो आपको दिखाते हैं। ये इस बैल के उन्होंने मांगे 8,00,000, ये 6,00,000 दे रहे हैं, लेकिन सौदा नहीं हो। मांगे थे 6,00,000 छः उन्होंने मांगे हैं। यार तू मेरी हर बात झूठी क्यों साबित करवा रहे? नहीं मैंने 8,00,000 सुने। चार ये वो स्कूल की तरफ लेके जा रहे हैं, इनका एकेडमी में दाखिला हो गया। ये एक और बिक गया माशाल्लाह, जियो मलेरा। लाइन लगी, ये सारे वो हो रहे हैं, डीलिंग हो रही है जी। खूबसूरत बैल है, बहुत ज़्यादा। अभी जी आपको वही बैल दिखा रहे हैं, उसकी लोडिंग दिखा रहे हैं, जो इन्होंने 5,00,000 का लिया, ठीक है, 5,500। साइड में यार बड़ी बात है, महंगे बैठे यार, आराम से गाड़ी में चढ़ जाते हैं, क्या बात है यार।
यार पिछली वीडियो के एंड में मैंने आपको एक पर्ची दिखाई थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि मोटरसाइकिल चोरी होने की सूरत में या गुम होने की सूरत में इंतज़ामिया ज़िम्मेदार नहीं होगी, ठीक है। तो मैं अपनी राय आपके सामने पेश करता हूँ, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये वही लोग होते हैं जो ख़ुद बाइक साइड पे करवा के चोरी करवा के फिर आपको बोलते हैं कि हमने तो पर्ची के पीछे लिखा हुआ था। ये मैं ऐसा सोचता हूँ, ठीक है, कि मतलब ख़ुद ही साइड पे करवा के फिर बाद में बंदे को बोलते हैं कि हमें क्या पता यार, हमने तो पर्ची के पीछे लिखा हुआ था कि मोटरसाइकिल चोरी होने की सूरत में इंतज़ामिया ज़िम्मेदार नहीं होगी, ठीक है। फिर बंदा पाँव में फिरता रहे। मौसम इस वक्त ख़राब हो रहा है, हम निकलेंगे अभी घर के लिए, ठीक है। तो जिन्होंने बैल वगैरह नहीं लिए अभी और उन्होंने जानवर वगैरह लेने हैं तो आज रात आकर ले जाएं, क्योंकि कल को अगर बारिश होगी तो फिर आप लोग ईद में ऐसे ही फिरेंगे, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।